हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 51, कार्य पत्रिका नंबर 51, जो कक्षा छठी से आठवीं के लिए है और 2 सितंबर 2020 को हमने करनी है। तो देखिए, आज हम जानेंगे अपनी विरासत को, हमारी राष्ट्रीय धरोहर को। देखिए, सबसे पहले हमें जानने को मिलेगा कुतुब मीनार के बारे में। तो कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है और कुतुब मीनार का देखिए आरंभ जो इसका निर्माण था वो 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। हमसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है, कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। यद्यपि वह केवल इसके आधार को ही निर्माण कर सके, ये जो आधार है देखिए कितना बड़ा है और सबसे ज़्यादा शायद मेहनत भी इसमें लगी होगी। तो शुरुआत में अभी कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सिर्फ आधार बना सके थे, उसके बाद उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर से, तो बेटा इल्तुतमिश थे जिन्होंने उसको पूरा किया था। अगर पूछेंगे किसने किया तो इल्तुतमिश ने उसको लाल बलुआ पत्थर द्वारा 3 मंजिलों का निर्माण किया। और 3 मंजिलों का निर्माण किए तो 5 मंजिला इमारत है देखो, तो जब 5 में से 3 मंजिलों का निर्माण किया इल्तुतमिश ने, तो अंतिम 2 मंजिल जो बची उसको बनाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा और उसमें इस्तेमाल किया गया संगमरमर और बलुआ पत्थर। और बेटा इसकी जो ऊंचाई है, आपसे पूछा जाता है ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है 73 मीटर, 73 यानी कि 73 मीटर। अब देखिए हमारी अगली राष्ट्रीय धरोहर, हमारी अगली धरोहर विरासत कौन सी है, ये आपने सही पहचाना। हमने कुछ दिन पहले ही अपना स्वतंत्रता दिवस हमारे लाल किले की प्राचीर पर, लाल किले पर तिरंगा फहराकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। तो हमने अपने इस 2020 के स्वतंत्रता दिवस को मनाया। तो अब देखिए, आज हम लाल किले के बारे में कुछ जानेंगे कि इसका निर्माण 1639 से अप्रैल 1648 मई 1639 से, बेटा देखो अगर आपको महीना याद ना भी रहे तो देखिए, सिर्फ इतना भी अगर याद रखेंगे तो इसको देखिए कितने लगभग 9 साल लग गए इसको बनाने में। और बनाया किसने था? मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनाया था। और कब बनवाया था? जब उन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया आगरा से दिल्ली, आगरा से जब वो दिल्ली बदला उन्होंने अपनी राजधानी को, तो उन्होंने यहाँ पर लाल किले का निर्माण किया। अब देखिए इसका निर्माण दिल्ली में यमुना नदी, तो पूछा जाता है कौन सी नदी के तट पे है, तो ये यमुना नदी के तट पे है। लाल किले को बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल, कैसे मटेरियल का, कैसा लगा हुआ है उस पर पत्थर, तो उस पर लाल, क्योंकि लाल रंग का ही दिख रहा है हमें, लाल बलुआ पत्थर लगा हुआ है। इसके वास्तुशिल्प का श्रेय किसको जाता है, किसने इसका वास्तुकार, इसके कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी, इनके वास्तुकार हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। अब देखिए बेटा, इससे अगला है हमारा, जी आपने सही पहचाना, इंडिया गेट। तो इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक है। बेटा आपको ये सभी जो बॉक्सेस में लिखा गया है, ये ऊपर आपका लाल किला, कुतुब मीनार, आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी कॉपी में लिखनी है, बिल्कुल ऐसे लिखनी है। और साथ ही साथ इनका पिक्चर अगर आपके पास अरेंज हो जाए तो, पिक्चर नहीं तो आप उसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, आप उसे बना भी सकते हैं, आखिर आप तो बहुत क्रिएटिव हैं। तो देखिए यह क्या है, एक युद्ध स्मारक है जो हमारे योद्धा थे जिन्होंने 1914 से लेकर 1921 के मध्य विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में जो लोग शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना में, ब्रिटिशर्स ने, जो अंग्रेज थे उन्होंने हमें भी युद्ध में लड़ने के लिए हमारे लोगों की भी भर्ती की थी, भारतीयों की भर्ती की थी। और युद्ध में वह लोग जब उन्होंने अपना बलिदान दिया, वह शहीद हो गए, तो उन जवानों के सम्मान में जो उस युद्ध में शहीद हो गए थे उनके सम्मान में यह स्मारक बनाया गया। और 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन किया लॉर्ड इरविन ने, और लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया, उसके बाद 1971 यहाँ देखिए 1971 से यहाँ पर अमर जवान ज्योति जो है वो प्रज्वलित, वो यहाँ पर जलाई गई है, प्रज्वलित है, जो उन शहीदों को याद करती है जो अज्ञात सैनिक थे जिन्होंने अपने प्राण नौछावर कर दिए अपने देश के लिए।
उसके बाद देखिए बेटा, अब हमें दिए गए हैं कुछ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, लाल किले के महत्व का वर्णन करिए अपने शब्दों में। आपको अपने शब्दों में लाल किले का क्या महत्व है उसको वर्णन करना है। फिर उसके बाद अमर जवान ज्योति का क्या महत्व है। हमने अभी पढ़ा कि वहाँ पर, ये देखिए, ये अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में प्रज्वलित, सदा प्रज्वलित रहती है। अब देखिए, फिर पूछा है कुतुब मीनार के निर्माण के में प्रयोग आने वाली सामग्री का वर्णन करिए। तो हमने कुतुब मीनार के बनाने में प्रयोग हुए सामग्री को अभी यहाँ पर पढ़ा है। देखिए बेटा, यहाँ पर ये देखिए, ये लाल बलुआ पत्थर, और पहले उसके बाद पहले तीन मंजिल तो लाल बलुआ पत्थर है, और अंतिम जो दो मंजिल है उसमें है संगमरमर और बलुआ पत्थर। तो यहाँ पर अब हम इसको, इसके बाद चौथा प्रश्न है, बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत आप विद्यालय से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना, किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे। तो आप अब अपनी चॉइस से कहाँ पर जाना चाहेंगे। यहाँ पर आप, वहाँ पर वॉर मेमोरियल में अभी भी गए थे बच्चे पिकनिक पे, अभी जो हमारी 2019 के सेशन की पिकनिक थी उसमें तो सभी बच्चे वॉर मेमोरियल गए थे, उन सबको ही मौका मिला था वहाँ जाने का, जो इंडिया के पास में ही बनाया गया। अब देखिए, मैंने कुछ आपको यहाँ पर सजेशन के लिए कुछ यहाँ पर लिख कर दिखाया है, आपको दिया है, लेकिन आप इसमें अपने और से भी और जोड़ सकते हैं। आप जो उसका महत्व समझते हैं अपनी ज़िंदगी में तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आप देखिए, लाल किला हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने इसे बनवाया जब उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली को बनाया या स्थानांतरित की। हमारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस, मैंने यहाँ पे आपको डेट याद दिलाने के लिए ऊपर लिख दिया, 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, श्री जवाहरलाल नेहरू। हमारे बच्चे तो सब जानते हैं, श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराकर मनाया गया। तभी से हम सभी भारतीय अपना स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराकर व हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को संबोधित प्रेरणादायक भाषण के साथ मनाते हैं। बेटा, रंगारंग कार्यक्रम तो होते हैं, लेकिन वो रंगारंग कार्यक्रम से ज़्यादा ये दो चीज़ें जो एक तो उनका राष्ट्र को संबोधन जो होता है, और हमारा तिरंगे झंडे का फहराया जाना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप और भी जो चाहें इसमें रंगारंग कार्यक्रम और सब लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बताना था कि आखिर लाल किले का क्या महत्व है। तो लाल किला हमें अपनी स्वतंत्रता की याद दिला रहा है, हमारी स्वतंत्रता के महत्व को बता रहा है। अब देखिए, अमर जवान ज्योति, मैंने आपको ऊपर मार्क करके भी दिखाया था कि अमर जवान ज्योति 1971 से भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। यह हम सभी को शहीदों के बलिदान के बारे में याद दिलाती है और स्वतंत्रता के महत्व को भी निरंतर दर्शाती है, हमें स्वतंत्रता का महत्व भी निरंतर बताती है। दूसरा है, पहले तीन मंजिलें, हमें पूछा था कुतुब मीनार में कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किया गया। तो बेटा, पहले तीन मंजिलों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर द्वारा किया गया है। यहाँ पर द्वारा का जो बेटा है आ कर हट गया है, द्वारा किया गया है, और अंतिम दो मंजिलों का निर्माण संगमरमर एवं बलुआ पत्थरों से करवाया गया है। अगर आप चाहें तो केवल आप इन तीन सामग्रियों का ही नाम लिख दीजिए, लाल बलुआ पत्थर, आप तीनों सामग्री का नाम लिख दीजिए, जिसमें पहला आ जाएगा लाल बलुआ पत्थर, दूसरा आ जाएगा संगमरमर, और तीसरा सिर्फ बलुआ पत्थर, क्योंकि ये तो लाल रंग का पत्थर है लेकिन ये सिर्फ बलुआ सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर है। और बेटा, आप इनकी स्पेलिंग्स जो हैं, जैसे ये यहाँ पर आपको यहाँ पर भी ये क्लियर दिखाई दे रही हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी वहाँ पे कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ से जब आप नोट डाउन करेंगे तो आपका सारा यहाँ पर दिया गया है द्वारा।
ठीक है, पहला बलुआ पत्थर, दूसरा संगमरमर और तीसरा बलुआ पत्थर, एक है लाल बलुआ पत्थर और दूसरा है केवल बलुआ पत्थर। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गई है और आप अपनी वर्कशीट को समय पर करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। अपनी सामाजिक ज्ञान की कॉपी में करनी है आपको ये, और सामाजिक ज्ञान की कॉपी में आपको ये लिखने के साथ साथ ये आप सारा लिखेंगे, पिक्चर चिपकाएंगे या बनाएंगे, साथ ही ये जो दिए गए प्रश्न हैं इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको करने हैं। आशा करती हूँ आपको सब अच्छे से समझ आ गया है और आप समय पर काम करके अपनी अध्यापिका को भेजेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।